हेलो यूट्यूब, जय जगन्नाथ। मैं राजेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ओडिया राइडर्स पे। तो आज है मंडे, तो आज है दशहरा भी है, आज भसानी भी है, भसानी मतलब आपका विसर्जन भी आज ही है। तो आप लोग को हैप्पी दशहरा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का दशहरा पूरा खुशहाल गुजरा हो, मस्त वाला। तो आज अभी मैं क्या है ना, आज सुबह सुबह बहुत बहुत जल्दी उठ गया हूँ। मैं दो तीन दिन से ना यह कैमरा को एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है क्या नहीं है भाई, दिमाग ख़राब है। न्यू कैमरा जो लिया था ना भाई, इतना सेटिंग सर भाई, कैनन 60D इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। बहुत इजी था यूज़ करना और उसमें कुछ इतना था नहीं। इसमें भाई बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ है, इतना ऑप्शन कि भाई दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि क्या क्या सेटिंग करना पड़ेगा, क्या क्या वीडियोस बनाने के लिए, कैसे टाइप का। तो ऐसे ही आज मस्त वाला सूरज देवता आए हैं भाई, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ डायरेक्ट भाई। ये चश्मा लेना पड़ेगा, चश्मा गाड़ी में छोड़ दिया, स्कूटर में छोड़ दिया हूँ, चश्मा लेके आना पड़ेगा। तो आज का क्या प्लानिंग है कि आज तो थोड़ा जाके मंदिर जाना है। सुबह सुबह सोच रहा हूँ अभी थोड़ा नहा धो के, तो सुबह सुबह भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा नहा धो के मंदिर चला जाऊँ, और मंदिर जाके ऊपर से एक यहाँ पे लेक है वहाँ पे भी जाके आ जाऊँ। और साथ में आज और एक काम करना है, इसको साफ। मंडे है, हर मंडे है, मैक नीचे कहाँ जा रहा है। तो हर मंडे को मेरा एक ही काम होता है कि हर मंडे और एक हफ्ता थर्सडे, दो दिन में क्या करता हूँ ना, ये बालकनी क्लीन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट होता है। इतना भी नहीं होता लेकिन होता है, मतलब बहुत कचरा हो जाता है। तो उसको वीक में दो दिन में साफ करता रहता हूँ इसको, हर वीक में। मेरे यहाँ पे कितना मस्त वाला गुलाब का फूल खिला है, फोकस देख रहे हैं ना। ये है मेरा छोटा सा एक गार्डन, तो फ्रेंड्स अभी रेडी हो चुका हूँ पूरा। तो आज मतलब क्या है ना, देखिए कितना बदमाशी कर रहा है। हाँ गया, जाने के लिए मैग भी पूरा एक्साइटेड, बरसा भी रेडी। बरसा हाय। तो आज क्या है ना, मैं यहाँ पर आज वर्षा ने रिकॉर्ड करके दिखा दिया, मतलब मैं नहीं चाहता था कि कभी कोई देखे। देखिए मैं सोशल का कभी कभी अपने आस पड़ोस को साफ सफाई रखना, ये सब सोशल का मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा सब मतलब मैं दिखाता नहीं हूँ, क्यों दिखाना है ये सब, सबको ही करता है। अपने घर अपने आपके घर के आस पड़ोस अगर मतलब ये है गंदा है तो आपको तो आप वो तो साफ ही करोगे ना। तो ऐसे करके साफ कर, मैं भी ऐसे ही साफ करता रहता हूँ कभी कभी, वो तो नॉर्मल है। तो आज वर्षा ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैं सोच रहा हूँ डालू कि ना डालू, सोच रहा हूँ डाल ही दूँ ताकि एक सोशल मैसेज भी पहुँच जाए सबको, मतलब किसी कोई कोई मतलब इंस्पायर हो जाए अपने आस पड़ोस को साफ रखने के लिए सब कुछ। और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वेकस कर लिया आज, मेरे अपने पर्सनल हाथों से मैंने आज ब्रेकफास्ट बनाया था, रोटी और जीरा आलू सब खाना वाना खा के अब रेडी हैं। अभी चलते हैं अपना तुरंत ही अपना लेक के पास, फिर लेक से रिटर्न होने का टाइम पे अगर बारिश वारिश नहीं हुआ तब हम जाएंगे मंदिर, मंदिर में थोड़ा माता जी का दर्शन करके फिर आ जाएंगे, नहीं तो बारिश हुआ तो फिर रुक जाएंगे घर पे, फिर बारिश ख़त्म होने के बाद जाएंगे।
भाई अभी से दीपावली स्टार्ट कर दिया यार, पता नहीं कौन बॉम्ब फोड़ रहा है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूँ डायरेक्टली लेक में। Drops on the floor alongside my spirit. My knees are drenching in the blood I spill just to get in. When I look around me, भाई साहब ये तो हो गया कल्याण। ये क्या है? ओ तेरी, ये तो घाने भीड़ छे भाई। यहाँ पे चल रहा है त्योहार, तो भैया लोग हो गया पोपट। वहाँ पे आज इतना भीड़ है क्या बोलूँ। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक जंगल था छोटा सा, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही इन्जॉयमेंट करने आ गए। क्या कर सकते हैं भाई, इतना भीड़ में जाना भी सही नहीं, क्योंकि कोरोना वोरोना का टाइम पे भाई कौन रिस्क ले। तो इसीलिए वर्षा भी यहाँ पे है, मैक भी नीचे है, घूम रहा है, मस्ती मार रहे हैं, पूरा देख रहे ना, पूरा जंगल के बीच में एक रोड है मेरे पीछे, देख रहे ना कितना ज़बरदस्त जंगल है। तो ऐसे ही पूरा, तो ऐसे मस्त वाला है, पीछे इमली का पेड़ है, थोड़ा इमली खा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, और क्या कर सकते। तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं घर पे, तो क्या करना, कुछ खास कर नहीं पाए। वहाँ पे गया था लेकिन इतना भीड़ था, दुर्गा पूजा है ना, वहाँ पे एक टेम्पल भी है, तो बहुत सारे लोग आए थे पूजा वूजा करने के लिए, वो सब करने के लिए, इसलिए वहाँ पे मतलब इतना भीड़ लग गया था। वहाँ पे हम लोग सोचे जा सकते थे, लेकिन क्या है ना, अभी मैक भी था साथ में, और मैक को लेके वहाँ पर जाता मतलब मैक को संभालना ही मुश्किल हो जाता। वो लोग सब कोई आके उसको इधर, इसको कोई लेके इधर जा रहा उधर जा रहा, मैं ठीक से वीडियो ही नहीं बना पाता, इसलिए मैं आज वहाँ पे गया ही नहीं। और ऊपर से कोरोना था, इतना भीड़ में जाना भी सेफ नहीं है भाई, कोरोना सिचुएशन में आप इतना मतलब भाई का आप समझ सकते हो ना, मतलब हेल्थ का भी सोचना पड़ता है, क्या करें, फैमिली में पर्सन है, तो आप बैचलर होता मैं घुस ही जाता शायद, तो ऐसे सिनारियो है। तो क्या करना, आज कुछ हो नहीं पाया प्लान, तो नेक्स्ट टाइम कभी हुआ तो मैं वहाँ पे आपको आप लोग को लेके जाऊँगा, मस्त वाला लेके, हसरगट्टा लेके उसको बोलते हैं। ऐसे करके दिन आज गुजरा, और ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे क्या ना, पूरा साइलेंट रोड था, पूरा मस्त वाला। वो अब वीडियो अभी देख लो, आप लोग देख लिया होगा वो वीडियो सब। आज आके हम लोग क्या हुआ ना, वहाँ से जब घूम घाम के आए, फिर आके
हम लोग पर थक गए थे, बहुत धूप था भाई आज, बहुत धूप था, पता नहीं क्या, क्योंकि बैंगलोर में इतना मतलब इस टाइम पे इतना धूप नहीं होता नॉर्मली, फिर भी बहुत धूप हुआ। फिर हम लोग थक थक के पूरा आके सो गए थे, अभी उठा अभी बज रहे हैं शाम के अराउंड 6:50 के आसपास है अभी, तो अभी ऑफिस का लॉगिन भी करना है 7:00 को और थोड़ा काम वाम करना है। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, नहीं ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, ये वीडियो मैंने एंड किया था आप लोगों के लिए कहीं और पे, ठीक है, आप जाइए वहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। चलिए तो भाई लोग यहाँ पे हम लोग फिर से जंप करके आ गए, क्योंकि आज वीडियो यहाँ पे एंड करना है, क्योंकि इससे वीडियो एंड करने का वर्षा इससे वीडियो एंड करने का मस्त जगह कोई पे हो नहीं सकता। कितना प्लेजेंट जगह है, अच्छा मस्त हवा दे रहा है, मतलब दोपहर के गर्मी में यहाँ पे आके भाई बस चिल मार रहे हैं हम दोनों। तो चलिए यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। वर्षा आपको ये जगह कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो चलिए वाइब्स जैसा हो रहा है, फील हो रहा है, इसलिए तो वीडियो आज यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो वीडियो एंड करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ट्रीज एज मच एज यू कैन, जय जगन्नाथ जय भारत। चलिए me redemption, I have waited for you to come and drown all my sin.